हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंस नॉलेज प्रमोशन। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहां पर हमें कुछ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इनको हमें फर्स्टली डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद बताना है कि वो किस काइंड का डेसिमल है, मीन्स टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि रैशनल नंबर दो ही टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 36/100। तो 36/100 को अगर आप बाई लॉन्ग डिविजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर डेसिमल लगता है टू प्लेसेस से पहले, यानी कि 1 और 2 इन टू नंबर्स से पहले हमारा डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। और 6 पर ये नंबर डेसिमल नंबर यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, 6 से आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ सेकेंडली अगर आप देखें 1/11, सेकेंड पार्ट इज 1/11। तो लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको 11 और इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, 11 यहाँ पर रखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे। नाउ यहाँ पर 1 है और 11 से इसको डिवाइड करना है, तो 1 छोटा है इसलिए एकदम से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इसमें डेसिमल लगा के एक 0 यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो लेकिन अभी भी ये 10 है और ये 11 है, तो अभी भी 11 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो अब हमें एक 0 यहाँ पर लेकर के एक 0 यहाँ पर और ले लेते हैं। तो अब 100 है, ये 11 से बड़ा है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 9 जा चल सकता है, 11 9 जा 99, एंड दिस इज रिमाइंडर इज 1। नाउ फिर से यहाँ पर 1 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने फर्स्टली एक 0 तो हमें ये डेसिमल की वजह से एक 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये 10 है और 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने फिर से एक 0 लगाया और यहाँ पर एक 0 लिया और फिर से 9 जा और फिर से रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं कि 09 09 एंड 09 09 आता ही रहेगा एंड रिमाइंडर 1 आता ही रहेगा। तो ये रिमाइंडर 1 आपको ये बता रहा है कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/11 इज इक्वल टू 0.909 एंड अप टू एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको आप बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 09 के ऊपर हम बार लगा देते हैं क्योंकि ये 0 और 9 ये दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो नंबर रिपीट होने लगते हैं उसको हम एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये बार हमें बताता है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये 1/11 को आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसके आगे आप लिख देंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को समझा, और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 4/1/8। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 4 × 8 + 1/8। इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 × 8 हो जाता है, और फिर जो ऊपर लिखा होता है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो +1 हो जाता है, और अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। तो ये बन गया आपका 32 + 1/8, दिस इज 33/8। तो सबसे पहले हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में चेंज किया, अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो आप देख सकते हैं इसको 4 जा चलाएंगे, 32 यहाँ पर रिमाइंडर इज 1, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2
नो, वन ए, रिमाइंडर इज टू. तो ये डेसिमल आपको एक जीरो दे देता है, तो 8 टू जब 16, दिस इज 4 रिमाइंडर. एंड नाउ आप फिर से एक जीरो लगा सकते हैं और ये होता है 5. तो यहां पर रिमाइंडर खत्म हो चुका है. तो यानी कि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. यानी कि 33/8 को हमने चेंज किया 4.125 की फॉर्म में, जो कि हमें बताना है कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. और चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6. पार्ट नंबर 4 में आपको दिया गया है 30. सबसे पहले एक डेसिमल लगा के जीरो ले लेंगे. यहाँ पर 13 2 जो 26, तो रिमाइंडर इज 4. आपको ये डेसिमल एक जीरो दे देता है, तो 13 3 जो 39 एंड दिस इज 1. तो यहाँ पर अब 1 है और डेसिमल में आपको 10 दिया, बट ये 13 है, ये 10 है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने एक जीरो लगा करके यहाँ पर एक जीरो ले लिया. अब हम इसमें लगा सकते हैं 13 7 जो 91. तो 13 7 जो 91 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर इज 9. अब यहाँ पर लगाते हैं 0, तो 13 6 जो 78. नाउ रिमाइंडर इज 12. एक और फिर से 0, यहाँ पर बन जाता है 120. एंड 120 को हम चलाएंगे तो 13 9 जो 117. तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 3. तो अब देखते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, तो हम 0 चलाएंगे और यहाँ पर 13 2 जो 26. नाउ रिमाइंडर इज 4. फिर से 0 लगाया, 13 3 जो 39. नाउ रिमाइंडर इज 1. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 आया और 26 हमने ये चलाया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वापस से अपनी पहली की सिचुएशन स्टार्ट होने जा रही है. यहाँ से यहाँ तक चेन अलग अलग चली है, उसके बाद ये चेन रिपीट होने लगी है. तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक नंबर अलग अलग चला, उसके बाद ये 2 3 रिपीट होना शुरू हो गया है. शुरू में भी 2 3 आया था, अब फिर से 2 3. यानी कि इसके आगे जब हम चलेंगे तो 0 7 6 9 0 2 3 0 7 6 9, इस तरह से ये एक चेन चलेगी. यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जिसमें हम अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स पर हम बार लगा सकते हैं. तो 3/13 को हम लिख सकते हैं 0.230769 बार. तो ये हुआ हमारा ये डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हुआ. और आप ये देख सकते हैं कि ये कैसा डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, हैं पार्ट 5 को, जहां पर हमें दिया गया है 11 एंड 2 से इसको 2 को इसको 11 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम डेसिमल के थ्रू एक जीरो लगा लेंगे, 11 1 जो 11. यहाँ पर रिमाइंडर इज 9. तो ये डेसिमल की वजह से हम यहाँ पर एक जीरो ले लेते हैं, तो 11 8 जो 88. रिमाइंडर इज 2. तो फिर से रिमाइंडर 2 आने लगा, यानी कि सीरीज चेंज सीरीज रिपीट होनी शुरू हो गई है. यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 11 चलेगा. तो यहाँ पर हम फिर से रिमाइंडर हमें 9 मिल रहा है. फिर से हम एक 0 लगाएंगे एंड 8 जा चलाएंगे, 88, और फिर से रिमाइंडर 2 मिलेगा. तो इस तरह से 1818 अगर हम आगे चले तो 1818 ही मिलता रहेगा. यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और इसको हम बार की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 18 पर यानी कि 18 पर रिपीटेशन हो रहा है. तो 18 के ऊपर यानी कि 18 के ऊपर हम बार लगा देंगे. और ये भी कैसा नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आइए अब चलते हैं 6 पार्ट की ओर.
जिसमें हमें 400 को से डिवाइड करना है 329 को. 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो हमें यहाँ पर डेसिमल लगाकर एक जीरो लगाने की जरूरत है. तो अब यहाँ पर अगर हम एड़जा चलाएं तो यहाँ पर आ जाता है 3200. तो यहाँ पर रिमाइंडर इज 90. नाउ 90 छोटा है, 400 बड़ा है, तो ये डेसिमल हमें एक जीरो लगाने की परमिशन दे देता है. तो यहाँ हम 2 चलाएंगे तो 800 बचता है 100. यहाँ पर एक हम जीरो लगा सकते हैं और यहाँ पर फिर से आप 2 चलाएंगे तो 800 बनता है. अब यहाँ पर 200 रिमाइंडर है, फिर से आप एक जीरो लगा सकते हैं और अब यहाँ पर 5 चलाएंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. रिमाइंडर इज जीरो. तो रिमाइंडर जीरो हुआ यानी कि ये नंबर टर्मिनेट हो गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 0.8225. तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी p अपॉन q की फॉर्म में यदि कोई रैशनल नंबर दिया गया है तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करके ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.